तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एएफसी चैंपियंस लीग 2021 में एएफसी गोवा का पहला ओपोनेंट अल रायन के बारे में। अल रायन के खिलाफ एएफसी गोवा 14 अप्रैल को पहला मैच खेलने वाला है और नो योर ओपोनेंट का ये रहा भाई फर्स्ट एपिसोड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एएफसी गोवा का पहला ओपोनेंट है अल रायन, तो अल रायन का हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद बाकी दो क्लबों का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट दो वीडियो में। तो अल रायन कतर का एक क्लब है और इस क्लब के बारे में हम लोग एकदम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं अभी तक इनका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है कतर के हर लीग में। तो भाई इस क्लब को फाउंड किया गया था 1967 में और उसके बाद से ही कतर के लगभग सभी लीगों में पार्टिसिपेट करते आ रहा है। सबसे पहले इनका जो फर्स्ट डिवीज़न है कतर स्टार लीग, इसकी अगर बात किया जाए तो कतर स्टार लीग को 8 दफ़ा जीता है अल रायन, यानी कि 8 दफ़ा टॉप टायर लीग का चैम्पियनशिप इन्होंने हासिल किया है। और लास्ट टाइम ये चैंपियन बना था भाई 2015-16 सीजन में, उसके बाद से लगातार 5 सीजन अभी तक इनके पास चैंपियनशिप नहीं आया है कतर स्टार लीग का। नेक्स्ट इसके बाद अगर कतर कप की बात किया जाए तो कतर कप इन्होंने 6 दफ़ा जीता है, अभी तक टोटल 6 बार चैंपियन बन चुका है कतर कप में अल रायन। 2013 में इनका लास्ट चैंपियनशिप आया था कतर कप में। इसके बाद कतर क्राउन प्रिंस कप इन्होंने 4 दफ़ा जीता है, लास्ट टाइम 2012 में जीता था, उसके बाद से अभी तक उनके हाथ नहीं आया है कतर क्राउन प्रिंस कप। और इसके बाद कतर सुपर कप भी भाई ये 4 दफ़ा जीता है, लास्ट टाइम 2018 में चैंपियन बना था। और इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एएफसी चैंपियन लीग में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है अल रायन का अभी तक, तो अल रायन अभी तक 5 दफ़ा एएफसी चैंपियन लीग खेल चुका है लेकिन चैंपियन नहीं बना है। शायद नॉकआउट स्टेज तक एक बार गया था लेकिन उसके बाद नहीं गया, और लास्ट सीजन भी वो खेला था एएफसी चैंपियन लीग लेकिन प्ले ऑफ तक ही वो पहुँचा था, प्ले ऑफ राउंड के ऊपर नहीं जा पाया था 2020 के सीज़न में। ईरानियन क्लब इस्तेखलाल तेहरान ने उनको हरा दिया था प्ले ऑफ राउंड पर ही और वो ग्रुप स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन उन्होंने जो लास्ट सीजन खेला है 2019-20 का, वहां पर रनर्स अप बना था और उसके ही चलते इस दफ़ा उनको डायरेक्ट ग्रुप स्टेज में एंट्री मिल चुका है। तो ये रहा भाई अल रायन क्लब का एक छोटा मोटा हिस्ट्री, मैंने आपको यहाँ पर एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है कि किस तरीके का अचीवमेंट अभी तक उन्होंने हासिल किया है। और इसके बाद अगर मैं रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई रिसेंटली वो कतर का जो स्टार लीग है वहाँ पर 3rd पोजीशन पर खड़ा है, यानी कि 3rd पोजीशन पर सीजन को ख़त्म किया है 2020-21 का सीज़न। 22 मैच खेला है, 10 मैच विन किया है, 5 मैच ड्रॉ किया है और 7 मैचों पे हरा है। तो यहाँ पर उतना बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन एक डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है उनका इस सीज़न में। और लास्ट सीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2019-20 के सीज़न में रनर्स अप बना था, सिर्फ 1 पॉइंट का गैप था जिसके चलते वो चैंपियनशिप हासिल नहीं किया लास्ट सीज़न, और चैंपियन बना था भाई अल दुहाइल। और अब इस दफ़ा भाई तीसरे पोजीशन पर जा चुका है, तो उनको फिर से नेक्स्ट जो 2022 का एएफसी चैंपियन लीग होगा जब मुंबई सिटी एफसी खेलेगा तो ये भाई प्ले ऑफ राउंड ही खेलने वाला है। अगर प्ले ऑफ राउंड में क्वालिफाई कर पाता है तो ग्रुप स्टेज में चला आएगा, लेकिन इस दफ़ा डायरेक्ट उनको ग्रुप स्टेज में मौका मिल चुका है। अभी तक उनका परफॉर्मेंस डिसेंट रहा है इस सीज़न में, लेकिन भाई फिर भी अल रायन एएफसी गोवा के लिए एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, एक बहुत ही तगड़ा टीम है, क्योंकि अल रायन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सीज़न खेल कर आ रहा है और उनके पास जो स्ट्रेंथ है भाई वो है उनका हेड कोच। जब मिड सीजन था तब भाई अल रायन एकदम पॉइंट टेबल के मिडिल में था, लेकिन जब इनका नया हेड कोच अपॉइंट हुआ उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस बदल गया और एक नया एनर्जी इस टीम में हमें दिखाई दे रहा है। और इनका मैनेजर का नाम है भाई लॉरेंट ब्लांक, जो इससे पहले पीएसजी जैसा टीम को मैनेज कर चुका है, साथ साथ फ्रांस के नेशनल टीम को भी इन्होंने मैनेज किया है एज ए प्लेयर। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से इन्होंने खेला है, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी खेला है, तो एक बहुत ही बड़ा प्रोफाइल वाला हेड कोच इनके पास मौजूद है जो कि टैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इससे पहले इन्होंने पीएसजी को मैनेज किया जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ फ्रांस के नेशनल टीम को भी मैनेज किया है, और इसके अलावा बॉर्डेक्स को भी इन्होंने एक बार लीग वन का चैंपियन बनाया था और पीएसजी को 3 दफ़ा लीग वन का चैंपियन बनाया था। तो इसका एबिलिटी आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके का अचीवमेंट इनके पास मौजूद है और ए हेड कोच भाई मैनेज कर रहा है अल रायन को। नेक्स्ट इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं अल रायन के 3
की प्लेयर्स के बारे में, तीन मेन प्लेयर के बारे में जो कि एफसी गोवा को पलट कर रख सकता है। पहला नाम है भाई याचिन ब्राहिमी, जो यूरोपियन फुटबॉल को फॉलो करता है उनको शायद पता ही होगा कि ये खिलाड़ी कौन है। इससे पहले इन्होंने पुर्तगाल के एफसी पोर्टो की तरफ से 150 के ऊपर मैच खेल चुका है, तो बहुत सारा यूरोपियन मैचों का एक्सपीरियंस इनके पास मौजूद है। लास्ट सीजन आल रायन की तरफ से इन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया था, जॉइंट टॉप स्कोरर था लीग का 15 गोलों के साथ और 5 असिस्ट के साथ। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा बहुत उनका परफॉर्मेंस डाउन गया है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है लास्ट सीजन के तुलना में, लेकिन फिर भी भाई बहुत ही कैपेबल खिलाड़ी है, उनका कैप्टन है और अपना एबिलिटी और एक्सपीरियंस से एएफसी चैंपियन लीग में आल रायन को ये मदद कर सकता है और एएफसी गोवा के लिए ये भारी पड़ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा खिलाड़ी है भाई योहान बोली, जो कि इवरी कोस्ट का खिलाड़ी है। लास्ट सीजन अगर ब्राह्मी ने काम किया था आल रायन के लिए, तो इस सीजन में ये 27 वर्ष का खिलाड़ी काम किया है आल रायन के लिए, क्योंकि इस बार उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और ब्लैंक भी भाई उनको एकदम खुला छूट दे दिया था, जिसके चलते इस सीजन में आल रायन का टॉप स्कोरर भी है भाई बोली, जो कि 10 गोल लगाया है इस दफ़ा, जो कि एफसी गोवा के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो जेम्स डोनाची और गोंजालेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डलेगा ये दोनों खिलाड़ी। इसके बाद तीसरा नाम है भाई लोकल खिलाड़ी है फहद विनिस, जो कि उनका गोल कीपर है, जिन्होंने लास्ट सीजन बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस किया था। 2019-20 सीजन में बहुत सारा क्लीन शीट हासिल किया था, टॉप ऑफ द टेबल तक पहुंचने ही वाला था टीम, लेकिन रन सब बना था एक पॉइंट के चलते और वहां पर बहुत ही ज़्यादा फहद का योगदान था। और एक खिलाड़ी भी भाई एफसी गोवा को जो स्ट्राइकिंग फोर्स है उसको आसानी से रोक सकता है मेरे हिसाब से। तो ये गया भाई आल रायन का फुल टीम रिव्यू, आप लोग कह सकते हो, या नो ईयर ओपोनेंट के सीरीज़ का पहला वीडियो। आल रायन के बारे में जितना आपको जानना चाहिए एफसी गोवा के खिलाफ मैच देखने के लिए, मैंने आपको बताने की कोशिश किया है भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, आपको अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए इस मेहनत के लिए। फ़िलहाल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।